हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शालिनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रोज़िप का फेस सीरम। जी हाँ, रोज़िप कितने टाइम से आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी टाइम आपको कंफ्यूजन हुआ है कि कभी तो बहुत अजीब मतलब अच्छा आता है, मेरे फेस को सूट आता है, और कभी ऐसा आ जाता है कि है ना वो मेरे फेस को सूट नहीं आता। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये दो अलग अलग फेस सीरम है। जी हाँ, ये तो मैंने अभी बड़ी क्वांटिटी में मंगाया है, क्योंकि जो मैं ये 10 ml का मंगाती हूँ ना, ये बहुत जल्दी जल्दी है ना ख़त्म हो जाता है। इस पर लिखा भी है या नहीं 10 ml? ओके, इस पर तो मुझे नहीं दिख रहा यार, कहीं बारीक में लिखा होगा। 10 ml ही है, ठीक है। और ये 10 ml वाला है हाइड्रेटिंग ग्लो। तो अभी तक जो चल रहा था मेरा फेस सीरम वो यही वाला था, लेकिन मैंने इसको बीच में स्टॉप कर दिया, क्योंकि मैं गुजरात में रहती थी, तो वहाँ क्या होता था ना, चिपचिपाती गर्मी हमेशा रहती है। तो मैं जब वहाँ का मौसम थोड़ा सा अच्छा रहता था ना, जब यहाँ पे कड़ाके की ठंड पड़ती है तो वहाँ थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, तब मैं इसको यूज़ करती थी। और पूरे साल मैं इसको यूज़ नहीं कर पाती थी, क्योंकि फिर इतनी सड़ी गर्मी में कैसे लगाएंगे ना, थोड़ा सा ये ऑयली रहता है। तो अभी ये था हाइड्रेटिंग, यानी कि हाइड्रेट करता है आपकी स्किन को। ये जितने भी जो फेस सीरम होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपकी स्किन के अंदर तक जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं। मसाज करोगे तो अच्छा ग्लो आता है, और हाइड्रेट रहेगी स्किन, ड्राई नहीं होगी, तो आपको है ना आपका जो स्किन टोन है वो भी अच्छा बनता है, और डार्क स्पॉट्स कम हो जाते हैं। जो डिस्कलरेशन रहता है ना, जैसे ब्लैक है कहीं, और वो क्यों, क्योंकि स्किन क्या होती है ना, कहीं से जब ड्राई हो जाती है, तो ड्राई होने के बाद जब हम अपने स्किन का यू नो केयर नहीं कर रहे होते, तो वो क्या होती है, ब्लैक होनी शुरू हो जाती है। यानी कि आप स्क्रब नहीं कर रहे हैं, या फिर आप अपने स्किन पे कोई क्रीम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप केवल फेस वॉश करके आए। फेस वॉश तो डेफिनेटली सब भी यूज़ करते होंगे, है ना, क्योंकि फेस को आपको लगता है क्लीन करना ज़रूरी है, क्योंकि डर्ट आ गए। लेकिन फेस वॉश हमारी स्किन से जो डर्ट होता है उसे तो हटाता ही है, साथ के साथ आपके स्किन का मॉइस्चर भी हटाता है, चाहे वो थोड़ा हटाता हो पर हटाता है। उसके बाद आपको हाइड्रेट करने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। तो मेरी स्किन तो क्या है ना, बहुत ज़्यादा ड्राई है, इतनी ज़्यादा ड्राई है कि मैं फेस वॉश करके आई हूँ तो मुझे तुरंत एक मॉइस्चराइज़र लगाना ही पड़ता है, अदरवाइज़ मेरी स्किन बहुत ज़्यादा खिंचनी शुरू हो जाती है। ठीक है, अभी हम यहाँ बात करने वाले हैं दो तरीके के फेस सीरम की। तो जो रेडियंस ग्लो वाला है और हाइड्रेटिंग वाला है ना, इंग्रेडिएंट्स मैंने इनके देखे हैं बिल्कुल सेम है। आई डोंट नो क्यों, ये इनका टेक्सचर बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। इंग्रेडिएंट्स मैंने मैच किए तो मुझे तो सेम लगे, कुछ भी ऐसा नहीं है। और बहुत लास्ट में जाके यार इसमें कोई भी ऑयल यूज़ किया गया है, जैसे रोज़िप ऑयल है, विटामिन ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, जो उससे पहले के है ना, वो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहे हैं। मैं साइड में शो कर दूंगी तो आप खुद से रीड कर लेना, ठीक है। जो चीज़ हम अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल लास्ट में, यानी कि जो सबसे पहले होता है इंग्रेडिएंट में, वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ होता है, और देन उसके बाद में जितनी भी लिस्ट नीचे चलती चली जाती है ना, वो बहुत कम यूज़ होता है। तो अभी एनीवेज, बट ये जो फेस सीरम है ना, मेरी स्किन को बहुत अच्छे से सूट आते हैं। मैं अपना फेस पे है ना, जैसे कुछ लोग टोनिंग करते हैं, टोनर लगा लिया, रोज़ वाटर वगैरह जो भी आप लगाते हैं, मैं अपना जो है जेल अप्लाई करती हूँ, जेल के बाद में मैं इसको लगाती हूँ। तो ये स्किन पे मैं इसको है ना थोड़ा सा आपको करीब से दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर दोनों कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये दो हैं, तो ये तो मैंने बड़ी क्वांटिटी में मंगाया है, तो पम्प में आता है ये इस तरीके से, ठीक है, ये इस तरीके से पम्प में आता है, और ये बड़ा है इस वजह से इस तरीके से है। और ये जो रहता है ना, ये वाला, ये ड्रॉपर के साथ में आता है ऐसे। तो दोनों में पैकेजिंग इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एमल का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब ये आप देख सकते हैं, ये करता है हाइड्रेटिंग वाला है, ये रेडियंस ग्लो है। दोनों में कितना अंतर है ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो पहले मैं रेडियंस ग्लो वाला दिखाती हूँ। तो ये इसके कुछ ही ड्रॉप्स बहुत रहते हैं, यानी कि एक पंप में ना अच्छी खासी क्वांटिटी निकल आती है। तो अभी ये इसके कैप के साथ में आता है इस तरीके से, तो अभी मैं ये दिखाती हूँ, ठीक है। ये इतना जल्दी मतलब स्प्रेड होता है
ग्लो तो ये सीरम है तो अभी लग रहा है, लेकिन जब ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है ना तो उसके बाद भी स्किन पर एक अच्छा सा ग्लो बना रहता है। ऐसा नहीं है कि मैंने लगाया और ये वाले ग्लो की बात नहीं कर रही हूँ, जब ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है तो भी ये स्किन को काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट करता है, रेडियंस ग्लो देता है। यानी कि ये वाला जो मैं सीरम बात कर रही हूँ, रेडियंस ग्लो वाला, ये ऑयली स्किन वाले आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये बिल्कुल वैसा है, चिपचिप वाला नहीं है, इसको आप गर्मी में आराम से यूज़ कर पाएंगे। तो अभी मैं ये वाला आपको दिखाती हूँ। अब ये मेरा काफ़ी ख़त्म हो चुका है, तो अभी ये ना ख़त्म होने के बाद ड्रॉप में नहीं आता है, तो अभी मैं इसको इस तरीके से लेकर के दिखाती हूँ। ये इससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा थिक, मैंने कम लिया है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं है। मे बी सूट आने में, मैं आपको बोल रही हूँ कि कई बार होता है कि कभी ये वाला लेते हैं या ये वाला, तो थोड़ा सा इसमें से मुझे डिफरेंट लगा। ठीक है, अभी ये मैंने बहुत कम लिया है, उसके अकॉर्डिंग मैंने उतना ज़्यादा नहीं लिया है, तो क्योंकि इसमें ख़त्म हो चुका है, बट एनीवेज आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग बहुत थोड़ा सा थिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये सिमिलर लगते हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलर लगते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको रखती हूँ, और कुछ भी डिफरेंट ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन जो रेडियंस ग्लो वाला है ना, बहुत कम क्वांटिटी में ड्रॉप, वन ड्रॉप, सिर्फ वन ड्रॉप बहुत सही रहने वाला है गर्मियों में ऑयली स्किन वालों के लिए भी। और ये जो मैं हाइड्रेटिंग वाला बोल रही हूँ ना, तो इसको भी आप मतलब सर्दियों में इस वाले को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा चिपचिप जैसा लगा है। मे बी जो इंग्रेडिएंट्स है उसकी क्वांटिटी में थोड़ा सा फ़र्क होगा, तो ये इस तरीके से है, ये थोड़ा सा ना ऐसे ऐसे कर रहा है, और ये बिल्कुल एब्जॉर्ब है। ठीक है, तो दोनों ही आप देख चुके हैं, दोनों में कुछ खास फ़र्क ऐसे पता नहीं चलता है। तो ये जो रेडियंस ग्लो वाला है ना, तो ये ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल कॉम्बिनेशन ड्राई सभी के लिए अच्छा है। ये वाला थोड़ा सा हल्का, बहुत मामूली सा थिक है, बहुत मामूली सा थिक है, ऐसे बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा अगर आप, मैं कंपैरिजन करके भी बता रही हूँ। लेकिन हाँ, जो लोग फेस पे अप्लाई करते हैं ना, तो पता नहीं आपके साथ हुआ है या नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कभी आप जब भी यूज़ करते हैं रोज़िप का, कि एक बार मंगाया हो तो अलग आया है और दूसरी बार आपको सूट नहीं आया है, या कुछ और प्रॉब्लम हुआ है, तो हर बार थोड़ा सा डिफरेंस लगता है या नहीं। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, लेकिन जब मैं सेलेक्ट कर रही थी तब मैंने ज़्यादा ध्यान दिया कि ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, तो बट ये साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, हाइड्रेट करता है स्किन को बहुत सही तरीके से। तो अभी फ़िलहाल तो मैं इसको बिल्कुल भी जो है यूज़ करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अभी ये मेरा ख़त्म हो चुका है। हाइड्रेटिंग ग्लो परफेक्ट है मेरे स्किन के अकॉर्डिंग, क्योंकि ड्राई भी है, बहुत ज़्यादा ड्राई है, सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव में क्या होता है ना कि हर चीज़ बहुत नाप तोल के यूज़ करना पड़ता है, इससे आराम से नहीं होता है मेरी स्किन को। आई होप आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दिखा होगा, और बहुत मामूली, अगर आपने यूज़ किया है तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा। और इसी के साथ अपनी वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़फुल रहा हो तो इसे लाइक करके ज़रूर जाना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।